वेलकम टू एनवी एजु क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। पिछले वीडियो में हम सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स, उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस और वो कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, उसकी डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उनमें डिफरेंसेस कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेल शेप। सेल शेप जो होती है वो प्लांट सेल में रेगुलर होती है और लार्जर होती है इन कंपैरिजन ऑफ एनिमल सेल। इसमें हमने ये यहाँ पर एनिमल सेल को स्ट्रक्चर ड्रॉ की है और ये हमने एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। इसी के बेस पे हम समझेंगे तो शेप, तो इसकी जो शेप होती है वो एक डेफिनेट शेप होती है, रेगुलर होती है और लार्जर होती है एनिमल सेल से। सेल वॉल, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है। ये जो आउटर कवरिंग है वो प्लांट सेल की, वो ये सेल वॉल कहलाती है और इसमें सेल वॉल नहीं होती, ये सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल भी पाई जाती है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमने बताए थे थ्री टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जिनमें की क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, क्योंकि प्लांट सेल ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल सेल हीटरोट्रॉफिक होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं प्लांट सेल के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए एनिमल सेल में जो है प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते और प्लांट सेल में वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हमारा है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होती है वो प्लांट सेल में सिंगल ही होती है और लार्ज होती है, सिर्फ सिंगल होती है और लार्ज होती है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये जो होती है वो मल्टीपल होती है और स्मॉल इन साइज होती है। तो ये मेन डिफरेंस हुआ वैक्यूल्स का कि प्लांट सेल में ये सिंगल होती है और लार्ज होती है और एनिमल सेल में ये मल्टीपल होती है और स्मॉल होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम्स को डिवाइड करना। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो प्लांट सेल का इसेंट्रिक होता है और एनिमल सेल का सेंट्रिक होता है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो एक्सेंट्रिक मतलब सेंटर के बजाय बिल्कुल साइड में होता है थोड़ा सा, और न्यूक्लियस जो एनिमल सेल का होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में कम पाई जाती हैं और एनिमल सेल में ज्यादा पाई जाती हैं। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पावर हाउस ऑफ द सेल बोला ही था, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं वो कम होती हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गॉल्जी बॉडीज। गॉल्जी बॉडीज जो होती हैं मल्टीपल होती हैं प्लांट सेल में और स्कैटर्ड होती है। ये हमने गॉल्जी बॉडीज का ये यहाँ पर दिखाया है डायग्राम में कि गॉल्जी बॉडीज जो होती है प्लांट सेल में मल्टीपल होती है और स्कैटर्ड होती है, फैली हुई होती है, लेकिन एनिमल सेल में ये सिंगल नियर द न्यूक्लियस, सिर्फ सिंगल ही होती है यहाँ पर ये, और न्यूक्लियस से बिल्कुल चिपकी हुई होती है, बिल्कुल पास में होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म जो होता है प्लांट सेल का डेंस नहीं होता, जो कि बहुत लाइट दिखाई देता है, लेकिन एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है, काफी गाढ़ापन उसमें दिखाई देता है। नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होती है वो होती है सेल डिवीजन के टाइम पर। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और साइटोप्लाज्म में जो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स को डिवीजन होता है उसकी, वो होता है मियोसिस और माइटोसिस में, और उसमें साइटोकाइनेसिस होती है यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, वो प्लांट सेल में बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एनिमल सेल में कॉन्स्ट्रिक्शन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उसमें सेल प्लेट नहीं बनती लेकिन उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, एक नोच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और उसके जरिए साइटोकाइनेसिस होती है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल सेल। सो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।